पुणे को अक्सर महाराष्ट्र का कल्चरल कैपिटल कहलाया जाता है। इतिहास के पन्ने खोल के देखो तो यहाँ पेशवा और मराठा का राज था, और आजकल के टाइम में गूगल करके देखो तो ये यंगस्टर्स की मोस्ट फेवर्ड सिटी भी कहलाई जाती है। मन तो है वापस जाने का, पर फिलहाल चलते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो वीडियो को फुल स्क्रीन पर लगा कर बैठो और पुरानी यादों को ताज़ा करो। ऑन कर्ली टेल्स प्रेजेंट्स आर्मचेयर ट्रैवल टू पुणे। शहर की रिच हिस्ट्री और कल्चर ही ये जगह को इतना निखारता है, एंड इट वाज ओनली राइट टू स्टार्ट आवर डे ऑन अ हिस्टोरिक नोट। तो क्या आपने बाजीराव मस्तानी पिक्चर देखी है? अगर देखी है तो आपने शनिवार वाड़ा का नाम तो जरूर सुना होगा। ये 286 ईयर ओल्ड मैंशन महाराष्ट्र की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और ये तो एक जमाने में पेशवाओं का घर भी हुआ करता था, एज इट वॉज बिल्ड बाय द पेशवा बाजीराव वन हिमसेल्फ। एंड एज यू वॉक इनसाइड यू विल नोटिस द रस्टिक वॉल्स, beautiful lawns and the smell of old world charm that makes the structure such a historic landmark of this city. अब शनिवार वाड़ा से निकलते निकलते भूख तो बहुत लगी है, तो बढ़ते हैं FC रोड की तरफ। यहाँ की पतली सड़कें, कॉलेज स्टूडेंट से भरी कैफेज, आंटीज की गपशप ही आपको ये जगह की पॉजिटिविटी से भर देगा। ये ही एहसास तो मुझे पहली बार हुआ था जब मैं पुणे के FC रोड पे पहुंची थी अपनी दोस्त ईशा के साथ। Well, FC रोड पुणे की पॉपुलर यूनिवर्सिटी फर्गसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है, विच इज ओवर 100 ईयर्स ओल्ड, और ये कॉलेज कैंपस बिल्कुल पुरानी पिक्चर की हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की याद दिलाता है। और FC रोड की आइकॉनिक ईटरीज और एवर ग्रोइंग यूथ ही ये जगह को इतना स्पेशल बनाता है। और ईटरीज की बात करें तो लेट्स हेड टू वैशाली रेस्टोरेंट, एंड आई थिंक ऑल द पुणेकर्स विल अग्री दैट वैशाली इज नॉट जस्ट अ प्लेस, इट्स अ होल फीलिंग इन इटसेल्फ। ये रेस्टोरेंट 1951 में शुरू हुई थी, और काफी सारे एक्टर्स, वेल नोन पर्सनैलिटीज ने यहाँ बैठकर चाय, कॉफी और साउथ इंडियन का मजा उठाया है। हमने भी यहाँ का चीज माइस और डोसा ट्राई किया और कड़क कड़क कॉफी एंजॉय की। Vaishali from my college days, so it's like a really iconic place. The food stuff is awesome. Nostalgic to come back to this road and you know come back to our old memories. So FC Road is one of the best youngsters kattas because there are so many colleges like Ferguson College, Ranade Institute, Garware College and some iconic eateries like Amrapali, Rupali and Vardeshwar along with Chaitanya Paratha House. But to top our list is the Good Luck Cafe, jo Pune ki ek bahut hi famous joint hai. To chaliye chalte hai Good Luck Cafe. Yahan ki classic Irani chai, bun muska aur egg bhurji has left a special place in every Punekar's heart. ये जॉइंट 1935 में शुरू हुई थी एंड इज वन ऑफ पुणेस ओल्डेस्ट ईटरीज, एंड इट्स सेड दैट यहां का बन मस्का इज वन ऑफ द बेस्ट दैट यू माइट हैव टेस्टेड। पर थक मत जाइए बिकॉज़ आगे बहुत कुछ देखना है, तो चलिए चलते हैं JM रोड की तरफ। JM रोड पुणे की और एक लाइफलाइन है, यहां बहुत कुछ है देखने को, फ्रॉम ईटरीज टू शॉपिंग लेन्स, हैंगआउट स्पॉट्स। पर हम चलते हैं यहाँ की दो आइकॉनिक जगहों पर विच बोस्ट ऑफ द ऑरा ऑफ दिस प्लेस, एंड वन ऑफ देम इज संभाजी पार्क। दिस पार्क डेट्स बैक ऑल द वे टू 1951, और यहाँ बहुत सारी गैदरिंग्स और इवेंट्स होती रहती है। ये पार्क रेजिडेंट्स के लिए एक गो टू जगह है, और यहाँ की ग्रीनरी को देखने के लिए तो बच्चे से लेकर बूढ़े सब यहाँ आते हैं। तो अब बढ़ते हैं JM रोड की और एक खासियत को देखने, जो है बाल गंधर्व रंग मंदिर। और कई पुणेकर्स यहाँ अक्सर आते हैं प्लेज और परफॉर्मेंस देखने के लिए, एंड इट्स ऑल्सो अ ग्रेट कल्चरल स्पॉट फॉर दिस सिटी। नाउ लेट्स हेड टू द हार्ट ऑफ द सिटी विच इज MG रोड। दिस प्लेस गिव्स यू द ट्रू सेंस ऑफ द सिटीज बसल, और यहाँ की शॉपिंग मार्केट पूरे पुणे में फेमस है, और शायद ही ऐसा कुछ है जो आपको यहाँ पे ना मिले। शॉपिंग के बाद भूख तो लगी होगी, एंड MG रोड अपने कैफेज और ईटिंग जॉइंट्स के लिए बहुत जानी जाती है, एंड वी ऑप्टेड टू गो टू मार्स ओरिन, जो कैंप की फेमस जॉइंट है। यहाँ बैठकर दोस्तों के साथ चिकन सैंडविच और चिल्ड कॉफी पीना बहुत से पुणेकर्स के लिए एक रिचुअल है,
तो हमने सोचा हम भी ये रुचिल का थोड़ा लुफ्त उठाए। अब चिकन सैंडविच तो खा ली, पर हम कैंप आकर गार्डन वड़ा पाव ना खाए ऐसा नहीं हो सकता। ये जॉइंट 1972 में शुरू हुई थी और यहाँ रोज 2000 से भी ज्यादा लोग वड़ा पाव खाने आते हैं। सॉफ्ट पाव, बढ़िया सा वड़ा और तीखी चटनी आपकी भूख और भी बढ़ा देगा। तो पॉपुलैरिटी की बात करें तो अक्तर समोसा का चिकन समोसा इज टू डाई फॉर मैन, और अगर आप पुणे से हो देन यू विल नो बेस्ट, सो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। तो एमजी रोड से करीब 30 मिनट की दूरी पर है आगा खान पैलेस। ये इमारत 1892 में बनाई गई थी एंड वाज वंस द रेसिडेंस ऑफ महात्मा गांधीज फैमिली। ये वो ही जगह है जहां महात्मा गांधी जी पास्ड अवे इन कन्फाइनमेंट एंड यू विल फाइंड हिज श्राइन कंटेनिंग हिज एशेस इन द गार्डन नियर बाय। अब ये शहर की हिस्ट्री और ईटरीज तो बहुत देख ली, बट नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर दैट पार्ट ऑफ पुणे जहां मुंबई से लोग सिर्फ यहां की नाइट लाइफ एंजॉय करने आते हैं, एंड दैट इज द पार्टी हब ऑफ द सिटी, कोरेगांव पार्क। एंड वी स्टार्टेड बाय डूइंग सम बार हॉपिंग एट द मिल्स एंड देन डांस टिल द वी आवर्स ऑफ द नाइट एट क्लब मायामी। वेल, वाकई में इतने प्रोडक्टिव दिन के बाद ऑल आई वांट टू डू इज रिवाइंड टू ऑल द ब्यूटीफुल मोमेंट्स आई एम गोइंग टू टेक बैक होम अलोंग विद मी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया देन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। सी यू सून।